हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हाजिर हो आपके लिए एक और नए अपडेट के साथ। अपडेट से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हीरो की तरफ से आने वाला हीरो वीडा V1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में मिलने वाले तकरीबन सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको जो है फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पर आप ऑर्डर कर सकते हैं उससे भी, और उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे आप हीरा वीडा को भी जो है फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। तो हाल ही में जो है फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छा जो डिस्काउंट देखने को मिलता है, वो आपको फ्लैट डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता, लेकिन आप बैंक ऑफर वगैरह अगर लगाते हैं तो आपको तकरीबन 15,000 रुपये का जो है डिस्काउंट इसके ऊपर देखने को मिलता है, जो काफ़ी अमाउंट ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, जिससे कि ये वैल्यू फॉर मनी फ़िलहाल के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर बन जाता है जिस प्राइस में आपको ये डिस्काउंट के बाद देखने को मिलता है। क्योंकि एक आपको एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी, आपको जो है मिड साइड माउंटेड जो है मोटर देखने को मिलता है, आपको मिड ड्राइव मोटर नहीं है, साइड माउंटेड इसके अंदर मोटर देखने को मिलता है, काफ़ी इसके अंदर आपको बूट स्पेस के जो है ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा यू नो गुड लुकिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। हाँ, और इसके अंदर राइडिंग मोड्स भी आपको देखने को मिलते हैं 3, और अगर टॉप स्पीड की बात करें तो 80 किलोमीटर पर आवर की आपको इसके अंदर टॉप स्पीड देखने को मिलती है। रेंज की बात करें तो 110 किलोमीटर की आपको रेंज देखने को मिलती है इन इको मोड। बैटरी की अगर बात करें तो 3.9 किलोवाट आवर के जो इसके अंदर आपको बैटरी देखने को मिलती है। अगर टोटल कर्व वेट की बात करें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का तो 125 किलो जो इसका कर्व वेट आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर डिस्काउंट के बाद इसके प्राइस देखें तो आपको काफ़ी सर्टन प्राइस देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी प्राइस देखने को मिलती है, जिससे कि आप एक जो है एक फैमिली टाइप स्कूटर आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो है फुटबोर्ड वो भी आपको फ्लैट देखने को मिलता है, तो आपको ऐसे कोई इश्यू नहीं आने वाला। इसके अंदर जो है स्वैपेबल बैटरी भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, तो वो भी एक अच्छा ही बात आपको देखने को मिलती है। अगर आपकी गैराज में या जहाँ आप खड़ी करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर वहाँ पर अगर चार्जिंग पॉइंट नहीं है तो आप अपने घर में या अपार्टमेंट में ले जाकर भी इसकी जो बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, तो काफ़ी कन्वीनियंट फीचर हो जाता है। और जिस प्राइस रेंज में डिस्काउंट के बाद मिलता है तो इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाते हैं, दोनों डुअल डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं। अगर कंपेयर करें सेम ही प्राइस में ओला S1 एयर आपको देखने को मिलता है तो उसके अंदर आपको जो है स्टील रिम्स देखने को मिलते हैं और कोई भी जो है डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलता आपको, वहाँ पर ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, और VLDC मोटर आपको हब माउंटेड मोटर देखने को मिलते हैं, आपको कोई साइड माउंटेड या मिड ड्राइव मोटर उसके अंदर देखने को नहीं मिलती। और बिल्ड क्वालिटी तो आपको पता है ओला की काफ़ी चीप आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, और अगर बात करें शोरूम एक्सपीरियंस तो वो तो ओला का जो है काफ़ी ख़राब है उस मामले में, तो ये आपको जो है हीरो का एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है आफ्टर परचेस, क्योंकि आपके जो है नियर बाई काफ़ी जो है सेंटर खुले हुए हैं ऑलरेडी हीरो के, तो उसी में जो है आपकी इसकी हो जाएगी। अगर आपके पास में मिलता है तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से परचेस कर लीजिए, जिससे कि आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो एक वैल्यू फॉर मनी इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहता है। अगर आपकी रनिंग 90 से 100 किलोमीटर के अंदर है तो ये आपके लिए अच्छा खासा एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर बन सकता है।